शहरात पायाभूत सुविधांची पूर्तता, सुशोभीकरण, अखंडित विद्युत पुरवठा, प्रशस्त रस्ते, काँक्रीटीकरण, नागरिकांकरिता अद्ययावत सुविधांची पूर्तता, पायाभूत सुविधांची उपलब्धी, पेयजल पुरवठा आदींसह विविध बाबी लक्षात घेता शहरी क्षेत्राचा नियोजनबद्ध विकास व्हावा याकरिता आमदार सौ सुलभाताई संजय खोडके यांच्या वतीनं विकास कामांची मालिका सातत्यानं राबवली जाते आहे. याच शृंखलेत अंतर्गत शनिवारी तवक्कल किराणा दुकानापासून ते लालखडी चौकापर्यंत रस्ता काँक्रीटीकरण व नाली बांधकाम करणे या विकास कामांचे आमदार सौ सुलभाताई खोडके यांच्या हस्ते भूमिपूजन करण्यात आले. यावेळी विकास कामांच्या नामफलकाचे अनावरण करण्यासह आमदार महोदयांच्या हस्ते कुदळ मारीत भूमिपूजनाची औपचारिकता साधण्यात आली. सन 2020-21 अर्थसंकल्पीय तरतुदी अंतर्गत राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री नामदार अजितदादा पवार यांचे लक्ष वेधित आमदार सौ सुलभाताई खोडके यांनी 9,55,00,000 निधीची उपलब्धी करून आणली. या निधी अंतर्गत स्थानिक परिसरात रस्ता काँक्रीटीकरण व नाली बांधकामाची पूर्तता होत असल्यानं आता नागरिकांना आवागमन करण्याकरिता सुविधा उपलब्ध होणार आहेत. गेल्या 25-30 वर्षांपासून स्थानीय नागरिकांच्या वतीनं या सुविधांची पूर्तता होण्याची मागणी सातत्याने केली जात होती. नागरिकांच्या मागणीची तत्काळ दखल घेण्यासह व रुपये 9,50,00,000 निधी उपलब्ध करीत सौ सुलभाताई खोडके यांच्या पुढाकारानं नागरिकांच्या मागणीची पूर्तता झाल्यानं या परिसरातील नागरिकांच्या वतीनं आमदार सौ सुलभाताई खोडके व राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे उपप्रदेश उपाध्यक्ष व तथा विभागीय समन्वयक संजय खोडके यांचा शाल व पुष्पगुच्छ देऊन सत्कार करण्यात आला. विकास कामांच्या पूर्ततेसह पश्चिम क्षेत्रातील नागरिकांचा शैक्षणिक स्तर उंचावण्यासाठी त्यांनी आपल्या पाल्यांना शिक्षित करण्यासाठी पुढे येणे गरजेचे आहे. नागरिकांना अपेक्षित सोयीसुविधा उपलब्ध करून देण्यासह या स्पर्धेच्या युगात अग्रेसर राहण्याकरिता मनपा शाळांमध्ये स्थानीय पाल्यांच्या सर्वांगीण विकासाकरिता विविध उपलब्धींची पूर्तता करण्याला आपले सर्वोत्तपरी प्राधान्य आहे. पुरोगामी विचारसरणी व धर्मनिरपेक्षतेला बळकटी देण्यासह नागरिकांच्या आशीर्वादानं आणि साथीनं विविध विकास कामांचे पुनरुत्पादन पर्याप्त प्रमाणात सुविधा उपलब्ध करून देण्याची ग्वाही आमदार सौ सुलभाताई खोडके यांनी तवक्कल किराणा दुकानापासून ते लालखडी चौकापर्यंत रस्ता काँक्रीटीकरण व नाली बांधकाम करणे या विकास कामाच्या भूमिपूजन प्रसंगी उपस्थित असताना दिली. यावेळी नागरिकांच्या वतीनं स्थानीय मागण्यांची पूर्तता होण्याला घेऊन निवेदन सुद्धा देण्यात आले. या निवेदनाचा स्वीकार करीत आगामी काळात या बाबींची पूर्तता करण्यावर आपला भर आहे या शब्दात आमदार महोदयांनी नागरिकांशी संवाद साधला. कुछ लोग काम करते हैं, उद्घाटन करते हैं, काम होते नहीं, लेकिन मेरे इसमें 2.5 साल में कोरोना आ गया था, इसके वजह से मैं उद्घाटन नहीं ले पाई, लेकिन काम कर चुकी हूँ और इसका लोकार्पण आज हो रहा है 2-3 दिन से. आज भी मैं ये कह रहा हूँ कि 8.5 करोड़ का रोड का आज उद्घाटन हुआ, 2-3 दिन में इसका काम भी चालू हो जाएगा और जल्दी से जल्दी ये रास्ता भी बन जाएगा, ऐसा मैं आपको विश्वास से कह सकती हूँ. ये शासन के तरफ से जो योजना है वो योजना हर घर तक पहुंचना चाहिए. कंट्रोल का कार्ड सबके घर में होना चाहिए, सबको ये धान्य मिलना चाहिए, जिनकी परिस्थिति गरीब है उनको मिलना चाहिए. इसके लिए मैं कोशिश करूंगी क्योंकि हमें काम करना. लेकिन मैं आपको बताती हूँ, कांग्रेस पक्ष के साथ में रहते हैं कि हम सेकुलर है, मैं भी एक हिंदुस्तानी हूँ, मैं कभी जात नहीं देखती, धर्म नहीं देखती, पंथ नहीं देखती, फिर मैं एक मानव जाति की हूँ, मैं हिंदुस्तानी हूँ, मेरे सब लोगों का विकास करना यही मेरा मकसद है. लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं खुद के स्वार्थ के लिए पक्ष बदलते हैं और पक्ष बदलने के लिए चुनाव में खड़े हो जाते हैं. 10-15 साल आपने पंजे को वोट दिया, बीच में कुछ बातें हो गई 2009 में, उस टाइम आपने वोट नहीं दिया, फिर बाद में उन्होंने पक्ष बदल दिया. कहा गए वो जिनके विचार हमको पटते नहीं है, ऐसे बीजेपी में कमल का वोट मांगा, सही बात है, 2014 में अंदर रह चुके तब ने आपकी याद आ रही थी, आपके एरिया में भी नहीं आए क्योंकि आपने वोट ही नहीं दिया था 2014 में. और आमदार खत्म हो गए और गिर गए और कांग्रेस में आ गए और वो में आप वहां कांग्रेस की है, ये ऐसे लोगों को वोट के देंगे आप? कांग्रेस पक्ष है, राष्ट्रवादी पक्ष है, सेकुलर पक्ष है, हम धर्म निरपेक्ष रहने वाले लोग है. और जब मेरे को लगेगा मैं यह पक्ष जाऊंगे तो मेरे को वोट दो, जो पक्ष में जाऊंगे वो पक्ष, ऐसे लोगों को चुन के देंगे क्या? उनके विचार में भी कांग्रेस नहीं है, स्वार्थ के लिए वो पक्ष छोड़ के यहाँ पे लोगों को वोट मांगते हैं. इन सब लोगों से आप यहाँ पे, मैं ऐसे करती हूँ, सब जिम्मेदार लोग हैं,
इसका विचार भी करना आपको जरूरी है। या दरम्यान राष्ट्रीय काँग्रेस विभागीय समन्वयक संजय खोडके यांच्या वतीने सुद्धा नागरिकांशी संवाद साधण्यात आला। लोकप्रतिनिधि का काम ये रहता है कि आने वाला शासन का निधि जो है हम पैसे डालते हैं, पैसे खर्चा करते हैं, आपके ऊपर उपकार नहीं करते, ये तो आपके टैक्स से आया हुआ गवर्नमेंट का पैसा है, लेकिन उसको सही मायने में हर एक जगह उसको इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए, ये हमारा लोक प्रतिनिधि का काम रहता है। लेकिन वो काम हमारे पहले जो आमदार थे जो 20-25 साल से करते थे, वो आपके वोट लेते थे, आपके वोट के लिए कांग्रेस की टिकट मांगते थे, लेकिन आपके तरफ कभी उन्होंने देखा नहीं करके आज इतना पिछड़ा वर्ग पिछड़ा एरिया आपका रहा हुआ है। हम चुनाव में जब घूमते थे तब आप हमने आपसे वादा किया था अगर आप हमारे साथ देंगे, हम चुन के आएंगे तो हम ये क्षेत्र का विकास करेंगे, लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ये 2 साल जो कोविड के थे उसके वजह गवर्नमेंट के पास भी पैसे की कमी थी, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ पे हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस के नेता अजीत पवार साहब जो एक फाइनेंस मिनिस्टर है और हम उनके साथ नज़दीकी है और हम उनके साथ काम करते हैं, तो हमने उनको कह के ये पूरे कोविड साल में भी हमने 100 करोड़ का निधि अमरावती विधानसभा मतदान क्षेत्र के लिए लाया और आपसे वादा किया था कि जो भी निधि आएगा उसका 50% खर्चा हम ये पश्चिम क्षेत्र में करेंगे, तो 50 करोड़ के काम आज अपने ये एरिया में चालू है। आप जाके देखिए कहीं पे भी ऐसा कोई भी एरिया नहीं है जहाँ रास्ते का काम नहीं चालू, नाली का काम नहीं चालू, कहीं ग्राउंड का काम चालू है। मैं आपको सही मायने में बोलता हूँ कि हम अभी जो काम कर रहे हैं, बड़े रास्ते समझो 8-8.5 करोड़ का रास्ता है वो ठीक है और 2-2 करोड़ के रास्ते ठीक है, लेकिन 5 लाख की नाली, 2 लाख का नाली, ये जो काम है ये कारपोरेशन के काम है, तो कारपोरेशन और आमदार एक साथ अगर चले तो विकास में और गति आ सकती है। नहीं तो आज ऐसा हो रहा है कि अभी हमने ये यहाँ पे रोड डाला था, वो नगर सेवक आए, अरे भाई ये आमदार डाल रहे, अपने को चुनाव लड़ने का है, चलो चलो डाल दो डाल दो डाल दो, उन्होंने डाला, फिर हमारे को और बाजू में शिफ्ट करना पड़ा, वो बाजू में और उधर शिफ्ट करो, यानी ये जो काम हो रहे हम आपको बोलते हैं कि हमने लाए हुए पैसे कम से कम 8 करोड़ के काम हमारे को चेंज करना पड़ा, क्योंकि अभी कॉर्पोरेशन का चुनाव आ गया तो सब जाग गए और इधर करो उधर करो उनका चालू हो गए। मेरा आप लोगों से यही विनती है कि आप हमारे ऊपर विश्वास रखो, हम पूरा सेक्युलर जो लोग हैं वो सेक्युलर लोगों के साथ आप रहो, पार्टी सेक्युलर रहना और आदमी सेक्युलर रहना इसमें जमीन आसमान का फर्क है। अभी जो सेक्युलर का कार्ड लेके आएंगे तुम्हारे पास महानगर पालिका चुनाव में, 5 साल वो बीजेपी के साथ रह के आए हुए और वो अब तुम्हारे को सेक्युलर और कांग्रेस की बात बोलेंगे। मेरा आप लोगों से यही विनती है कि सही मायने में पढ़े लिखे लोगों ने आदमी पहचानना चाहिए, अपने विकास के लिए अपन ने क्या करना चाहिए वो अपने सोचना चाहिए। नागरिकांच्या समस्या जाणून घेण्यासह त्यांचे निराकरण करण्याकरिता तत्परता दर्शवित आमदार सौ सुलभाताई खोडके यांच्या वतीने गतिशील कार्यप्रणालीच्या माध्यमातून विकास कामांची पूर्तता होत असल्याबद्दल स्थानीय नागरिकांच्या वतीने यावेळी आमदार महोदयांचे प्रति कृतज्ञता व्यक्त करीत आभार सुद्धा मानण्यात आले। यावेळी आमदार सौ सुलभाताई खोडके समवेत राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे विभागीय समन्वयक संजय खोडके, माजी नगरसेवक आसिफ तवक्कल, हाजी रफीक साहब, युसुफ भाई, अहमद पत्रकार जहीर किराणा, मुश्ताक भाई, डॉक्टर मतीन अहमद, नसीम पप्पू, डॉक्टर करीम भाई, सत्ता राराणी, हसन भाई, माजी नगरसेविका मालन बाजी, शबाना बाजी, जमील बाजी, हाजी सलीम, वहाद भाई, सलीम भाई, रशीद भाई, गामा भाई, शेख सलीम, डॉक्टर जुबेर, असरार सर, आतिक सर, अब्बू अंपायर, मोईन खान आदि सहित स्थानिक परिसरातील ज्येष्ठ नागरिक व युवक बांधव प्रामुख्याने उपस्थित होते। मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ क्योंकि यहाँ तकरीर करने वाले ज्यादा लोग हैं। मैं तहे दिल से ताई आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, भाव का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। असल में इतनी जो नीति हमारे शहर में आ रही है इसके लिए ये दोनों ही इसको इनको श्रेय जाता है क्योंकि ताई भी अपने तौर पर ला रही है और महाराष्ट्र प्रदेश के उपाध्यक्ष होने के नाते संजू भाव खोड़के के जो ताल्लुकात है
डिप्टी सीएम साहब से, वो भी निधि को इधर ला रहे हैं, तो ये लिए हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है और हमने इनसे काम लेना चाहिए। आने वाली जो महानगर पालिका है, मैं आपको बताता चलूं कि हमारे आमदार के हमको हाथ मजबूत करना है, ना किसी के बहकावे में आकर, क्योंकि अगर महानगर पालिका में भी हमारे आमदार के हाथ मजबूत होंगे तो आज जो रुकावटें जो पैदा की जा रही है जिस काम के अंदर में, कुछ काम ऐसे है जिसके अंदर में यहाँ के नगर सेवक रुकावटें पैदा कर रहे हैं, जिनको हमने ईमान के नाम पर चुन कर दिया और बस जज्बात में बहकर कुछ भी कर दिए। तो आपको मैं ये बात आपको बताता चलूँ कि आने वाली महानगर पालिका में हमको सोच समझ कर फैसला करना होगा, हमारे आमदार साहिबों को संजू भाव के हाथ मजबूत करने पड़ेंगे, तब जाके इधर का विकास दो गुना बढ़ेगा। राष्ट्रवादी बोलो, कांग्रेस बोलो, दोनों पक्ष से ये निधि आई हुई है और ये निधि का काम मुस्लिम क्षेत्र में बहुत बड़े पैमाने पे होना चालू है। सुलभा ताई घोड़के का पूरे क्षेत्र के अंदर जगह जगह रोडों के काम चालू है। मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ।